दोस्तों, अभी तो मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म ही हुए हैं, यानी समझ लीजिए मतदान ही खत्म हुए हैं, और जिसका डर था वो हो भी गया। चुनाव आयोग बड़े बड़े दावे तो कर सकता है, मगर भाजपा वाले चुनाव आयोग की आंखों में भी धूल झोंक देते हैं और इसके बार बार सबूत सामने आते रहे, बावजूद इसके विश्वास कोई नहीं करता। या फिर क्या हम ये गलतफहमी में है? शायद हो सकता है हम गलतफहमी में है कि क्या चुनाव आयोग के संज्ञान में सब कुछ हो रहा है और फिर भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि बिना चुनाव आयोग अधिकारियों के संज्ञान के ये तो संभव नहीं हो सकता ना कि भाई बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई ईवीएम मशीन उठाकर कहीं और किसी जगह ले जाए। कांग्रेस के लोगों ने शिवपुरी जिले से ईवीएम पकड़ी है दोस्तों, वो भी एक नहीं 6 ईवीएम मशीन पकड़ी है। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त काफी ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जो है वो शेयर किया गया है। इस वीडियो के साथ साथ दो और वीडियो शेयर किए गए हैं और उस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब छानबीन की तो कब्रिस्तान, एक जगह कब्रिस्तान का एक एरिया है दोस्तों, वहां से 6 ईवीएम मशीन पकड़ी है। एक नहीं 6 ईवीएम मशीन पकड़ी है दोस्तों। काशिफ काकवी ने ट्वीट किया है और यही लिखा है कि कांग्रेस के नेताओं को ये जो मशीन है ये मिली है, जो भी वहां पर तैनात था उसको कहीं ना कहीं उससे पूछताछ की गई कि भाई ये जो ईवीएम मशीन है ये यहां पर आई कैसे, क्या घोटाला नहीं हो रहा है, क्या वोटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो शिवपुरी है, शिवपुरी माना जाता है कि गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस भी यहां पर मजबूत है। कांग्रेस भी लगातार इस सीट से, आप कह सकते हैं कि इस सीट पर दमखम जो है वो अपना रही है। अभी इस वक्त जो खबर है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखिए आप कि जब भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता नहीं दिखता है कि अब चुनाव कैसे जीता जाए, तो फिर ईवीएम की गड़बड़ी का खेल शुरू होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये इस खबर से मालूम चल रहा है। आपको बिना देर किए मैं वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता जो है ना सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं बल्कि उन्होंने बाकायदा ईवीएम का जो बॉक्स होता है ईवीएम मशीन का वो दिखाया है, और उस ईवीएम मशीन पर जो पर्ची लगी हुई है ऊपर की किस वार्ड का है वो भी दिखाया है। आपको बिना देर के वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। अंदर भी जाएंगी, कोई नहीं देख पाएगा, मशीन अंदर भी जाएंगी, ये लोकतंत्र की हत्या है, मशीन अंदर भी जाएंगी। क्या बोल रहे हो? कल आ रहा है मशीनों का नंबर दिखा। इधर इधर मेरे को व्हाट्सएप करना, वो भोपाल व्हाट्सएप। तो वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी, इसका जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला दोस्तों, तो उंगली जो है वो टेढ़ी कर दी गई है। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव जो है जीतने की इतनी मंशा जाहिर कर रही है बीजेपी, चुनाव जीतने का जो दावा है वो ठोक रही है, क्योंकि जाहिर है बीते दिनों जो सर्वे सामने आ चुके हैं चुनाव से पहले दोस्तों, उन सर्वे के बाद कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया था कि मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का कोई तोड़ नहीं है, और बहुत खतरनाक वाली एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी वजह से ये जो है जा सकते हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की तो बात भी नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि सरकार गिराकर सरकार बनाई गई थी, तो जाहिर है जनता के बीच में गुस्सा जो है वो बनेगा कि हमने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार तोड़कर और फिर सरकार जो है बना दी गई। अब सरकार गिराकर सरकार बनाने वाले अगर ये सोचेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता उनको वापस सत्ता में बिठाएगी, तो ये शायद, देखिए दोस्तों, हो सकता है यहाँ पर गलतफहमी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हो, शायद ये भी हो सकता है कि उसको उस गलतफहमी का एहसास हो गया हो, इसलिए अब ईवीएम के साथ खेला हो रहा है, ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर ये 6 ईवीएम मशीन वहां कर क्या रही थी, कौन लेकर गया वो मशीन, और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी बूथ पर चुनाव अधिकारी मौजूद रहते हैं ताकि ईवीएम, अगर मान लीजिए वोटिंग हो गई है, तो वो सीधे सीधे कंट्रोल रूम में जाएगा,
और कंट्रोल रूम में उसको बंद कर दिया जाएगा दोस्तों, सील कर दिया जाएगा। जब जिस दिन तारीख होगी नतीजों की, उस वक्त उसको खोला जाएगा, सील उसका खोला जाएगा और उसके बाद वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी। तो पहले उसको वहां लेकर जाया जाता है, लेकिन यहां कब्रिस्तान में 6 EVM मशीन पकड़ी गई है। सोचिए, इतनी बुरी हालत है क्या भारतीय जनता पार्टी की कि आप एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे क्या? कुछ सीटें तो जीतेंगे ही आप कि नहीं जीतेंगे कुछ सीटें भी? उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्या? ये इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि जब तक उम्मीद खत्म ना हो, कोई इतना बड़ा तो कदम नहीं उठा सकता है कि ईवीएम मशीन को कहीं और रखा जाए। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं और ना हम इस बात का दावा करते हैं कि वो ईवीएम मशीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही वहां रखी या फिर नहीं, मगर कांग्रेस का ये आरोप है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के साथ तगड़ा खेला किया है और वोटों की गिनती इधर उधर करने की कोशिश जो है जारी हो गई है। क्योंकि कर्नाटक हारे, कर्नाटक भी इसलिए हारे क्योंकि कर्नाटक में भी सरकार गिराकर सरकार बनाई गई थी। मध्य प्रदेश में भी इसलिए हार सकते हैं क्योंकि सरकार गिराकर सरकार बनाई गई थी। अब ये कितना सच साबित होगा कितना नहीं दोस्तों, ये सर्वे बता चुके थे। हो सकता है कि अंदाजा हो गया हो कि हार सुनिश्चित हो गई है, शायद इसलिए आप अपना जो पैतरा है वो शुरू हो गया। इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।